अलवर न्यूज के रिपोर्टर युवराज शर्मा के अनुसार पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनु मार्ग स्थित भगवान श्री राम के मंदिर में पूर्व पार्षद अंजू शर्मा के परिवार ने कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल व उनका परिवार शामिल हुआ। पूर्व विधायक सिंघल ने पूजा अर्चना कर अलवर जिले की जनता की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। राम जी का, बजरंग बली का, शंकर भगवान का, माँ गौरा का सपत्नीक मैंने पूजा की है और ये आयोजन किया है श्री राजेंद्र शर्मा और श्रीमती अंजू शर्मा जो यहाँ के पार्षद रहे, इन्होंने सपरिवार इन्होंने इसको कार्यक्रम को आयोजित किया है। मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान श्री राम जी की चरण में शरण में विप्र बंधुओं ने बहुत विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करके भगवान की पूजा अर्चना कराई है। मैंने भगवान से प्रार्थना की है मेरा शहर एकदम स्वस्थ रहे, सुखी रहे, किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कोई संकट या कोई रोग शोक न हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना की है। और अलवर का विकास इस गति से आगे बढ़े कि हर व्यक्ति अपने आप को आनंदित महसूस करे। आज जन्मदिन के दिवस पर मैंने सुबह प्रातः भगवान श्री राम जी का दरबार मोती डूंगरी से अपने दिन की शुरुआत करके उसके पश्चात गौशाला में जाकर गौ सेवा, उसके बाद गुरुद्वारा में जाके शब्द कीर्तन और उसके पश्चात यहाँ त्रिपोलिया में जाके भगवान त्रिपोलेश्वर महाराज शंकर भगवान की पूजा अर्चना और उसके पश्चात विधि विधान से यहाँ जिस तरह से विप्र बंधुओं ने श्लोक के साथ मंत्रों के साथ भगवान की पूजा कराई है, मैं समझता हूँ मेरा जीवन धन्य है इस प्रकार के वातावरण में जो जीने का अवसर मिल रहा है। इन सब कार्यकर्ताओं का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कई दिन से इस कार्यक्रम की योजना बनाने में लगे हैं। इन्होंने शहर को भी सूचनाएँ दी हम होर्डिंग्स के माध्यम से। इन सब का ईश्वर भगवान श्री राम इसी प्रकार से उत्साहवर्धन करते रहें। ये कार्यकर्ता ही हमारी सबकी नेताओं की शक्ति होती हैं। इनके लिए भी स्वस्थ की इनके वैभव की प्रार्थना भगवान से करते हुए मैं पूरे अलवर के लिए, पूरे जिले के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री राम से। भगवान आपका मंदिर अब भव्य निर्माण हो रहा है। इस देश में जिस प्रकार की भी जो व्याधियाँ वर्तमान में व्याप्त हैं इन सबको हरण करके प्रत्येक व्यक्ति को सुख और सामर्थ्य आप प्रदान करें, ऐसी भगवान श्री राम से प्रार्थना।